राइट गाइज, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। गाइज, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देन आप प्रोजेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करो और उसके बाद आप ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हो इसका एक्सएमएल फाइल एंड प्रीसेट फाइल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप इजिली अपने अलाइट मोशन पे प्रीसेट के थ्रू एंड एक्सएमएल के थ्रू इम्पोर्ट करवा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इम्पोर्ट कर लेना। जैसे कि मैं इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, आपको जैसे कि देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरह लेयर सब काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन लेयर सब पे आपको क्या करना होगा, जस्ट आप वीडियो को देखते रहो। आपको सबसे पहले आपको प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करके ऑडियो पे क्लिक करके व्यू ऑल, देन आप जिस भी ऑडियो पे वीडियो बना रहे हो आप अपना उस वाले ऑडियो को इम्पोर्ट कर लो। तो जैसे कि मैं उस वाले ऑडियो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ फिलहाल। गाइज, मैंने तो यहाँ पर ऑडियो इम्पोर्ट कर लिया। अब इस लेयर को आप नीचे की तरफ कर देना, इस तरह होल्ड करके रखना और ड्रैग नीचे की तरफ कर देना, ड्रैग डाउन। अब यहाँ पर गाइज आपको कुछ ऑडियो इस तरह मिल जाएगा देखने को। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी सारे ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4, देयर इज 5 एंड 6, काफी सारे ग्रुप्स हैं। और उसके अंदर एक इफेक्ट है नल, और भाई सीसी इफेक्ट आपको ऑलरेडी देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको अपना वाटरमार्क वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये ऊपर का आप जो देख रहे हो ये सब आपको छोड़ देना है, जस्ट आपको ये ग्रुप्स के ऊपर ध्यान देना है। ग्रुप 1 पे आपको क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, और जिस भी इमेज पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस वाले इमेज को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इनमें से कोई भी एक इमेज को यूज़ करता हूँ फिलहाल, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे कि मैं इस वाले फोटो को यूज़ करता हूँ। अब गाइस आपको इस वाले फोटो को ड्रैग एंड तक कर देना है, उसके बाद आप इसे डाउन की तरफ कर देना। अब यहां पर गाइस आपको इस वाले जो भी पोर्शन को रखना है इस फोटो का, आप उस वाले पोर्शन को रख सकते हो कुछ इस तरह। मैं छोटा कर देता हूं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके आप इसे इस तरह कहीं से भी मूव, मतलब इसे मूवमेंट दे सकते हो। तो अब देखो यार कुछ ये इस तरह आपको हो जाएगा। इसके अंदर आप एक इफेक्ट यूज कर सकते हो, जिस इफेक्ट का नेम है, तो ये टाइल्स इफेक्ट आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो मैं जैसे कि टाइल्स इफेक्ट को चूज किया और मिरर बटन को ऑन कर दिया, ताकि आपको ये जो एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि ये वाला, अगर आप ये मिरर बटन को ऑफ करके रखते हो तो देखो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह कट जाता है और ये पूरा बन जाएगा। फिर आपका जो शैडो है उस टाइम वो समझाएगा नहीं, अच्छा लगेगा देखने में। अब यहाँ पर गाइस आप इससे इस तरह सेट कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको जो ये टेक्स्ट है ये फॉन्ट है कोरोना। अब यहाँ पर आप कमेंट पे कर देना कोरोना, ताकि मैं समझ जाऊंगा आप इतना दूर वीडियो देख चुके हो। और गाइस आप सभी को नेक्स्ट वीडियो पे शाउट आउट भी देखने को मिल सकेगा अगर आप लिखते हो टेक्निकल सोहेल नाइस वीडियो। अगर आप उसके बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर और भी फॉन्ट है, डेस्टोरिया फ्री, साइन रेथी और भी है बियॉन्ड इट। तो आपको ये इन सारे फॉन्ट सबका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ढेर सारे यहाँ पर फॉन्ट है जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह। मैं यहाँ पर फिलहाल इसी फॉन्ट को चूज़ करता हूँ। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, इस फॉन्ट को तो आपने चूज़ कर लिया, बट गाइज इसके अंदर आप देखो फोटो आ चुका है। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, जितना दूर आपको वीडियो बनाना है उतना दूर आपको ये ग्रुप्स का एक्सटेंड कर लेना है। जैसे कि मैं 13 सेकंड तक बनाना चाहता हूँ तो मैं कट कर दिया। आप जितना दूर बनाना चाहोगे उतना दूर एक्सटेंड कर लेना। जैसे कि आपको इतना दूर है तो इतना दूर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। उसके बाद आपको ग्रुप्स एंड सारे लेयर्स को भी एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के लिए जस्ट आपको इससे चूज़ करना होगा, आपका सारा लेयर सबको भी एक्सटेंड कर देना। तो जैसे कि मैं इतना दूरी में बनाना चाहता हूँ तो मैं कट कर देता हूँ। अब फिलहाल जैसे कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर चूज़ करना है। तो जो भी आपका यहाँ पर परफेक्ट बैकग्राउंड इमेज आप देना चाहते हो वो वाला अपना एक इमेज दे देना, जैसा कि आपको जो भी बैकग्राउंड पे इमेज देना चाहते हैं आप। मैं जैसे कि ये वाला इमेज चूज़ किया, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देता हूँ, एंड तक एक्सटेंड करना है। देन उसे होल्ड करके आप सबसे नीचे की तरफ लेके आ जाना, जैसा कि मैं सबसे नीचे की तरफ लेके आ चुका। अब इसके अंदर आपको जस्ट क्या करना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर चले जाना है, और गाइस इसके आपका यहाँ पर लाइटन पर जाना है, स्क्रीन करना है और स्क्रीन इमेज स्क्रीन एंड 60% द ओपेसिटी। तो मैंने 60% ओपेसिटी कर दिया और गाइस ये इस तरह देखने को मिलता है आपको। और उसके बाद देखो कुछ ये इस तरह देखने में अच्छा लगता है। बाकी और थोड़ा ओपेसिटी कमाना है तो कम कर सकते हो आप। मैं 50% कर दिया, वो फोटो के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग फोटो पे डाल देना जैसा भी डालना चाहते हैं आप। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे कि लिरिक्स। अब देखो भाई यहाँ पर काफ़ी जल्दी आ गया आपका यहाँ पर पहला फोटो, तो आप यहाँ पर कट कर सकते हो ऑडियो का पार्ट। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑडियो का पार्ट कट कर देता हूँ, देन ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ और ये एंड वाला को एक्सटेंड कर देता हूँ इधर। अब जैसे कि आप देख सकते हो और थोड़ा मैं कट करता हूँ ताकि ये लिरिक्स देखने में अच्छा लगे, और एंड वाला ऑडियो को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अब जैसे कि आपको इसके अंदर एडिट ग्रुप पे जाना है और इस पर आपको लिरिक्स को टाइप करना है, जैसे कि आपने जो अभी देखा आपको अपना इस तरह बारीकी से करना होगा। जैसे कि मैं हा वा वो मैं इस तरह टाइप कर लिया। अब देख लो आप, अब यहाँ पर देखो ये इस तरह अगर होता है तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, छोटू सा फॉन्ट यूज़ कर सकते हो आप, जो कि काफ़ी सारे यहाँ पर फॉन्ट्स मिल जाएंगे आपको। मैं जैसे कि आपको ढेर सारे यहाँ पर फॉन्ट दे दूंगा, मेरे को उसके बाद ये फॉन्ट बहुत अच्छा लगता है, तो आप ये वाला फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो ये वाला फॉन्ट
बाकी मैं ये वाला फॉन्ट को चूज कर लिया। आप इसे भी चूज़ कर सकते हो, बाकी वो उससे भी छोटा कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे चूज़ किया, फिलहाल जैसे कि मैं बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो भाई, ये आपका इस तरह हो चुका। और उसके बाद अब इसके अंदर आपको नेक्स्ट लिरिक्स टाइप करना है और फॉन्ट भी आपको चेंज करना है। ऐसा ना जो फॉन्ट आपने चेंज ना किया, तो मैं यहाँ पर इस तरह फॉन्ट को भी चेंज कर देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना जितना आपने कर रखा था। तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो चूज़ करना है, जो भी आप फ़ोटोज़ को यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ नीचे की तरफ। और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद इसे छोटा भी कर सकते हो आप, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद कुछ इस तरह मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ऑल राइट, अब देखो आपका कुछ ये इस तरह बन जाएगा। अब नेक्स्ट आपका जो है लिरिक्स। अब गाइज आप यहाँ पर ग्रुप सबको डिस्टेंस भी दे सकते हो कुछ इस तरह। तो जैसे कि वो ग्रुप्स लेट्स में आएगा, अभी जैसे कि हुआ में, तो इस ग्रुप पे आपको टाइप करना है हुआ में। तो जैसे कि मैं इस ग्रुप्स के अंदर गया और लिरिक्स का पे टाइप कर दिया हुआ मैं, इस तरह आपने टाइप करना है। और उसके बाद इसे 36 पीटी भी कर सकते हो, इससे भी छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब इसके अंदर आपको फोटोज यूज करना है। तो जैसे कि जो भी आपका फोटोज है, उस फोटोज को आप यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद एंड तक एक्सटेंड करना है, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है नीचे की तरफ। अगर वो कट हो जा रहा है तो आप यहाँ पर टाइल्स इफेक्ट को आप यूज़ कर सकते हो, जो कि इफेक्ट्स के अंदर आपको मिल जाएगा देखने को। तो कुछ ये इस तरह सेट कर लिया आपने। अब देखो यहाँ पर कुछ ये इस तरह बन जाएगा। अब नेक्स्ट सुनना है आपको लिरिक्स लाइन। अब देखो भाई, यहाँ पर जो भी है आपको टाइप करना है इस तरह मैन्युअली। एडिट पे गया मैंने, और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो है इस तरह आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया जाऊँगा। ऑल राइट, अब यहाँ पर गाइस आपको फॉन्ट भी चेंज कर लेना है, अगर आप वो वाला फॉन्ट यूज़ कर रहे हो तो। मैंने यहाँ पर 36 पीटी कर लिया, बाकी यहाँ पर कुछ ये इस तरह देखने को मिल रहा है, तो आप इस तरह कर सकते हो। और उसके बाद आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद थोड़ा इधर मूव कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको फ़ोटोज़ यूज़ करना है, तो मैं जैसे कि फ़ोटोज़ यहाँ पर एक कोई भी एक सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक बेहतरीन, तो जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटोज़ यूज़ करता हूँ, एंड तक एक्सटेंड कर देना है आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उसे। और उसके बाद साइज़ को छोटा करना है, बहुत ज़्यादा ही छोटा कर लेना है ताकि अच्छा तरीके से दिखे वो। और इस तरह आपको यहाँ पर सेट करना है। अब जैसे कि इसके अंदर एक टाइल्स इफेक्ट ऐड करना होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो मैंने टाइल्स इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ करके मिरर बटन को ऑन कर दिया। दैट्स इट गाइस। उसके बाद देखो आपका कुछ ये भी बन गया। अब देखो नेक्स्ट, अब गाइस आपको ये जो ग्रुप है इसे एक्सटेंड कर देना होगा आपका, जितना दूर लिरिक्स मतलब ऑडियो जितना दूर है उतना दूर आपको एक्सटेंड कर देना होगा। तो मैं सारा ग्रुप सबको आपको बीच बीच में शॉर्ट हो जाता है, तो वो आप देख लेना। तो अब देखो भाई, ये ग्रुप को मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ और उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देता हूँ। अब मेरा रहा ग्रुप 5। आप इस तरह ग्रुप को कॉपी करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जो लिरिक्स में रिक्वेस्ट अभी मिला। उसके बाद यहाँ पर 36 पीटी कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 36 पीटी। और देखो भाई, ये लिरिक्स रहा हमारा। अब यहाँ पर इसके अंदर भी आप फोटो यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने फोटो यूज़ कर लिया। अब लास्ट आपका ग्रुप रहा, तो इसके अंदर भी आपको चले जाना है और उसके बाद इससे आपको सिलेक्ट करना है। और जैसा कि आपको लिरिक्स मिला, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो गाइस इस तरह यहाँ पर टाइप कर लो, फॉन्ट चेंज कर लो, 36 पीटी कर लो, दैट्स इट। उसके बाद आपका यहाँ पर फोटो चूज़ कर लेना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर फोटो भी इंपोर्ट कर दिया, बाकी आपका यहाँ पर वीडियो बनकर रेडी है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह आपके यहाँ पर बन जाएगा टोटली मस्त तरीके से। और उसके बाद आप यहाँ पर, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब देखो गाइस, यहाँ पर आपको थोड़ा ग्रुप को एक्सटेंड कर देना है ताकि वो फास्टली पार हो जाए। तो मैंने दोनों ग्रुप को एक्सटेंड कर लिया।
तो गाइज इस तरह आप ऐसा वीडियोस बना सकते हैं, फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो अगर आपको चाहते हो तो। गाइज फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर लेना, बाकी इसके बाद आपको एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना इसे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो देखकर पसंद आया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको चैनल पे इसी तरह वीडियोस देखने को मिलता रहता है। चलो यार मिलते हैं नए वीडियो के साथ, छोटे भाई को सपोर्ट करना ना भूले क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही चाहिए इस चैनल को जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर लेके जाएगा। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाओ ना यार, क्यों आप लोग मतलब दिखाते ही नहीं हो कुछ भी।